नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि जाड़ीवाल, स्वागत है आपका टीम 360 के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पे सैटरडे संडे अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। इसी क्रम में आज हमारे साथ में यहाँ पे अलग अलग स्टेट से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से कुछ लोग बैठे हुए हैं और इनकी जो है ट्रेनिंग्स भी मोस्टली कंप्लीट हो चुकी है, कुछ ट्रेनिंग अभी बाकी है। हमारे यहाँ पे DMIT, मिड ब्रेन, ESP, फोटोग्राफी, QSR, NLP और जिसमें से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्केटिंग की ट्रेनिंग जो होती है वो संडे को सुबह मॉर्निंग में 8:30 बजे स्टार्ट होती है और 10:30 बजे तक चलती है। तो अभी सभी की मार्केटिंग की ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए आइए हम जानते हैं सभी से इनके अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि इन्होंने कल अपना सैटरडे का DMIT का अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया है। तो DMIT के बारे में ये लोग क्या जानते हैं कि DMIT क्यों इम्पोर्टेंट है, हमें DMIT क्यों करवानी चाहिए, क्या DMIT में कोई एज लिमिट होती है या हम किसी भी व्यक्ति का DMIT कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं हम सभी से। हमारे साथ में अभी संध्या मैम मौजूद है, आते हैं मैडम से इनके अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि इनको इस प्रोग्राम के बारे में कैसे पता चला और इन्होंने कल की ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट कर ली है DMIT की, तो इन्होंने DMIT के बारे में क्या समझा, क्या सीखा और क्या जाना। मेरा नाम संध्या सचवान है और मैं DMIT के बारे में पहले तो कुछ भी नहीं जानती थी। मेरे हस्बैंड मुझसे कई बार शेयर करते थे, मेरे को विश्वास नहीं होता था। मैं कहती थी कि ये ऐसा नहीं हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि आपको विश्वास नहीं, मैं आपको लेके चलता हूँ। तो लेके आए तो मैंने यहाँ पे देखा, सुना, तो मुझे काफ़ी हद तक मतलब लगा कि यार मैं गलत थी। तो मैंने यहाँ पे कल देखा कि DMIT एक टेस्ट है जो कि किया जाता है 1 साल से ऊपर के बच्चे और 18 साल से बीच के बच्चे की एज में। तो इससे हमने ये जाना है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वो 5 महीने में उसकी ब्रेन और हाथ की नेल्स के इधर फिंगर में ये फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं एक साथ डेवलप होते हैं। जिन बच्चों में एक साथ डेवलप होते हैं वो आगे जाके नॉर्मल एक बेबी बर्थ लेता है। ठीक है, मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी। जैसा कि अभी हमने मैम का एक्सपीरियंस जाना, इसी क्रम में रजत जी सर से भी मैं निवेदन करूंगी कि सर भी अपना एक्सपीरियंस बताएं और उन्होंने कल की ट्रेनिंग में क्या कुछ सीखा, क्या उन्हें समझ में आया। मेरा नाम रजत कुमार शील है। मैं तो यहाँ के DMIT टेस्ट के बारे में जितना कुछ सुना समझा, ये एक यूनिक चीज़ है। इसके जरिए में हम लोग जान सकता है कि कोई बच्चा का करियर कैसे बन सकता है, क्योंकि ब्रेन का कौन पार्ट एक्टिव है, कौन पार्ट, इसमें हम लोग हर पेरेंट्स लोग गलती करता है कि उसको जो क्षेत्र में जाना चाहिए वो क्षेत्र में नहीं लेके हम लोग दूसरे क्षेत्र में उसको भेज देता है, वो आगे जाके कुछ नहीं कर पाता है। तो इसके जरिए में हम लोग एक सही दिशा एक न्यू जेनरेशन को दे सकता है, जिसके लिए इंडिया का हर चाइल्ड एक तो बहुत बड़ा आगे जा सकता है। ठीक है, थैंक यू। विश्वंबर शिरोडकर नाम है मेरा। मैंने DMIT के बारे में पहले एक वीडियो देखा था 360 का, 1 साल हो गया। उसके बाद में मैंने एक थोड़ा थोड़ा यूट्यूब पे देख के रिसर्च किया, उसको समझा, जाना, और मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चलती है कि ये DMIT टेस्ट करके हम सारे बच्चों को अगर करें तो हमारा भारत देश सुपर पावर होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसी के माध्यम हम दिमाग में रखते हुए यही चीज़ के लिए हम इस 360 डिग्री टीम के यहाँ अप्रोच हुए और इसके ही हम ऐसे ही रिसर्च करेंगे और हमारा भी हाथ भार लगेगा कि एक हम इंडिया सुपर पावर बनने के लिए एक जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं ओम प्रकाश बादल, झुंझुनू राजस्थान से, और मिड ब्रेन के बारे में मेरे को दिल्ली से पता लगा था। अक्सर मैं दिल्ली रहता हूँ, महीने में 5-10 बार दिल्ली आता जाता रहता हूँ, वहाँ से मुझे पता लगा तकरीबन 1.5 साल पहले। तो वहाँ मेरा दिमाग शुरू से ही थोड़ा खोजी टाइप का रहा है,
हर चीज़ यूनिक खोजना है, कोई भी चीज़ यूनिक हो उसके बारे में उसको प्राप्त करना, उसके टच में रहना, ये मेरा खोजी टाइप का दिमाग रहा हुआ है। तो मैं कुछ सर्च किया तो जैसे आपके महाराष्ट्र में है एक ब्रेन वंडर्स नाम की वो संस्था है, और इसके अलावा दो चार संस्था और भी चल रही है, लेकिन टीम जो 360 है उससे बेहतर कोई मुझे नहीं लगा। इससे बेहतर कोई भी चीज़ कोई भी संस्था नहीं है जो DMIT टेस्ट सेंटर जो अपने को उपलब्ध करवा रही है। और अभी कल जो वर्कशॉप हुआ उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, कुछ अनुभव हुआ, और इससे मेरे जो साथी हैं जो और आए हैं मेरे जो साथ में हैं वो भी अच्छा, उनको भी अच्छा लगा है, मुझे भी ठीक लगा है, और आगे जाके झुंझुनू में अच्छी सेवा देंगे सबसे हर गार्जियन को हर छात्र को, और थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ और विशेष हो उनके दिमाग में लेफ्ट और राइट ब्रेन के बारे में उनको कुछ नॉलेज देंगे, और ज़्यादा तो अभी तो कुछ और सीखना बाकी है। थैंक यू सभी को। हाय गाइस, मेरा नाम बिनगे यादव है, आई एम फ्रॉम अक्सर आजकल क्या करता हूँ, हम सोशल मीडिया बहुत बिजी रहते हैं, तो अचानक मैंने यूट्यूब पे मिड ब्रेन ट्रेनिंग के बारे में सुना था, तो सर्च करते 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 360 ये डिग्री ये कंपनी पे तक पहुँच गया, तो वहाँ पे उनके जितने यूट्यूब के जितने वीडियोस हैं उनको देखा कि तो देखने बाद ऐसा लगा कि हाँ ये सही चीज़ है कि बच्चों को सिखाने के इसका थ्रू में खुद सीख कर बच्चों को सिखाने के लिए, तो इस तरह मैंने विनीत सर से फ़ोन किया कि थ्रू व्हाट्सअप किया फ़ोन किया, तो दोनों में बहुत बातें होने के बाद मैंने खुद ये डिसाइड कर लिया कि मैं आऊँगा राजस्थान जयपुर पे, तो आज मैं यहाँ हूँ, मैं सीखा बहुत कुछ सीख लिया हूँ, सोच रहा हूँ इसी को मैं वहाँ पर अपने जगह जाकर बच्चों लोग को, और नॉट ओनली बच्चों जो पढ़ाई में नहीं है जो किसी को भी चाहिए इसको इस एडवांटेज उतरना चाहेंगा उनको मैं दूंगा। थैंक यू। माय नेम इज सलोनी जैन। मैंने ये यूट्यूब से ही ये वीडियो देखा था 360 का, वहाँ से मिडब्रेन मुझे पहले थोड़ा नॉलेज था, लेकिन इसके बाद इसके बहुत सारे वीडियो देख के मैंने जाना कि ये कैसे होता है। मुझे एक्चुअल में इस चीज़ के बारे में 2-3 साल पहले भी बहुत वीडियो देखे थे, लेकिन मेरे को ये हो रहा था ये बच्चे कर भी सकते हैं कि नहीं, 100% रिज़ल्ट आता है कि नहीं, क्या इसका कुछ नियम या फॉलो करने पड़ते हैं, या बच्चा बाद में कुछ अगर नहीं करे तो इस ट्रेनिंग को हो सकता है। लेकिन कल की ट्रेनिंग के बाद मुझे ये नॉलेज मिला, और आज क्या ये एक्सपीरियंस से मैं बोल सकती हूँ कि हाँ ये कर सकता है बच्चा, अगर क्लासेस अटेंड करेगा और कुछ रूल्स फॉलो करेगा तो वो कंटिन्यू उसका 100% रिज़ल्ट आता है। तो इससे और सीखा, और मैं अपना वहाँ जाके बच्चों को सिखाना चाहूँगी, तो उससे बच्चों को भी बेनिफिट होगा और मुझे भी बेनिफिट होगा। थैंक यू। मेरा नाम हिमांग जैन है, और मैं 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा हूँ। जब से सोच मैं ब्रेन में पार्टिसिपेट करने में, और थोड़ा सा DMIT का कल ट्रेनिंग अच्छा था, और थोड़ा नॉलेज भी लिया DMIT का। Good morning everyone, my name is Prajna Lutlikar and I am from India. I was not at all aware about this. I came here with my uncle because he was searching about all this and he encouraged me so much to come here. So I thought of coming along with him, and go to say it was a great experience. I got so much of knowledge about DMIT, what exactly it is. First of all, I was knowing the brain is divided into two parts, that is left brain and right brain, but here we got to understand in detail what exactly it is, and I just hope that I will be able to teach this to the other students who are suffering from all this, the parents, or maybe they are forcing them to do what parents want and not what kids want. So I just hope I will be successful in doing all this and supporting the kids. Thank you.